नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। जी हाँ, मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में लोगों को उनकी शतविशत लाश मिली, जिसके बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। हालांकि उनकी हत्या क्यों और किसने की, इस बात का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये घटना दरभंगा के सुपौल बाजार की है। मुकेश के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। मंगलवार यानी आज सुबह जीतन सहनी का शव घर में शतविशत हालत में पड़ा मिला। वहीं दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। घटना का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी। आपको बता दें कि मुकेश हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा में चर्चा में आए थे। तेजस्वी के साथ उनकी फोटो काफी वायरल हुई थी। दरअसल जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में घर है। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। जीतन सहनी की जिस तरह हत्या की गई वो दिल दहलाने वाली है। हमलावरों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया है। शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से हमला किया है। बताया जा रहा है कि मुकेश के पिता जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। पत्नी का 8 साल पहले निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहते हैं। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी हो गई है और वो मुंबई में रहती हैं। बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में रहते हैं। कहा जा रहा है कि घर में 2 नौकर और 1 ड्राइवर आते जाते रहते थे। पिता गांव में मछली बेचने का काम भी करते रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि हमलावर चोरी के उद्देश्य से तो नहीं घर में घुसे थे। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जाहिर है बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। मुकेश सहनी अपने समुदाय से जुड़े वोटर्स पर खासी पकड़ रखते हैं। बिहार में निषाद पार्टी बड़ा वोट बैंक मानी जाती है। मुकेश सहनी अन्य राज्यों की तरह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को मुद्दा बनाकर पार्टी और खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। मुकेश की पार्टी वीआईपी समय महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। मुकेश को राजद नेता तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो बनाया था, जिसके बाद नवरात्रि में मछली खाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। हालांकि अपने पिता को यूं खोना मुकेश सहनी के लिए किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस एंगल से भी जांच कर रही है कि चुनावी रंजिश के चलते मुकेश से बदला लेने के लिए उनके पिता की हत्या नहीं की गई है। खैर, जांच के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।